नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल मैंने इसी समय लगभग आप सभी के साथ इंफोसिस के पूरे फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म निवेश में कितना फायदा दे सकता है ये स्टॉक, इसके बारे में बात करी थी, जहां आप लोगों की तरफ से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट आया और सबने थम्स अप दिखाया। तो यहाँ पे इंफोसिस की बात की जाए तो आज फिर बड़ा एक्शन हुआ शेयर बाजार में, पूरे आईटी सेक्टर को लीड करता हुआ दिखा इंफोसिस। एंड अगर आप करंटली इंफोसिस का एडीआर देखोगे तो वो मोर देन 4% अप ट्रेड कर रहा है। जो लोग बाजार में नए आए हैं और एडीआर नहीं पता है तो शॉर्ट में बता दूं, एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सिंपल भाषा में भारत के वो शेयर जो अमेरिका के एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, लाइक इंफोसिस है आपका, विप्रो है आपका, HDFC बैंक है आपका, ICICI बैंक है आपका, पहले वेदांता भी था, अभी वो डीलिस्ट हो चुका है अमेरिका से। तो ये इन सबको आप एडीआर के रूप में देख सकते हो। तो एडीआर 4% ऊपर दिख रहा है, इनफैक्ट 4.5% ऊपर है इंफोसिस का इस समय। तो क्या हम कल ये और तेजी होने वाली है ऐसा मान के चले? तो देखिए, ऐसा मानो या ना मानो, बट इतना जरूर मान लो कि ये शेयर कुछ अलग ही कर रहा है। जिस रफ्तार से गिरा था उतनी ही रफ्तार से भाग रहा है शेयर। अब यहाँ पे आपको एक चीज जो नहीं भूलनी है वो ये, कभी कभार क्या होता है इमोशंस में बह जाते हैं, शेयर बाजार में इमोशंस की जीरो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग ये मत भूल जाना कि परसों कंपनी के रिजल्ट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई को नंबर्स आने वाले हैं कंपनी के। ऑलरेडी आईटी, लार्ज कैप आईटी से बात की जाए तो विप्रो, HCL टेक और TCS अपने नंबर पेश कर चुके हैं। इंतजार है तो इंफोसिस और टेक महिंद्रा का। तो इंफोसिस तो आपके लिए 20 तारीख को आ जाएंगे। मिड कैप की बात करें तो LTTS आज नंबर पेश कर चुका है, टाटा LXI और LTI Mindtree आपके लिए कल नंबर पेश कर चुके हैं। ठीक है जी, जहां से कुछ खास तो नहीं था, लेकिन हाँ स्टॉक में उतनी कोई बड़ी करेक्शन नहीं है। करेक्शन हुई भी थी आज मॉर्निंग में, बट वापस रिबाउंड कर गए। और LTTS के फ्लैट नंबर है, ये तो उतने खराब दिख भी नहीं रहे हैं कि ये स्टॉक गिरे। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता वो देखने वाली बात है। तो वापस लौटते हैं टॉपिक पे और बात करते हैं इंफोसिस के बारे में। सबसे पहले तो आज क्या हुआ है वो देख लीजिए आप, तेजी बन रही है और धमाकेदार तेजी बन रही है। बड़े लोग, बड़ी बाइंग चल रही है कंपनी में। कैसे? वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, जो एवरेज वॉल्यूम 60 लाख शेयर्स का है उसके सामने 1.67 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। ये कोई 500,000 वाला शेयर नहीं है, 1600 रुपए का, 1500 रुपए का शेयर है। तो इतने बड़े वॉल्यूम अपने आप में मायने रखते हैं। 1475 रुपीज के लेवल्स पे 52 रुपीज बढ़कर आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा स्टॉक। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि डेज हाई पे क्लोजिंग आई है। बाजार में वॉलिटिलिटी दिखी, बाजार में उठापटक दिखी, इनफैक्ट आईटी सेक्टर में उठापटक दिखी, लेकिन ये स्टॉक हिला नहीं आज, वन साइडेड भागता चला गया और डेज हाई के आसपास क्लोजिंग आई है। 3 महीने के उचले स्तर पर आ गया, इनफैक्ट 6 महीने में एक लेवल था 1421 का, वो ब्रेक करा है स्टॉक ने। तो लेवल्स चार्ट्स के हिसाब से भी पहला टारगेट 1500 का, दूसरा 1580 का बनता है, जहां से इस स्टॉक में बड़ी करेक्शन स्टार्ट हुई थी। अब ये स्टॉक उन्हीं लेवल्स की तरफ जा रहा है, राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है अगर टेक्निकल टर्म्स में बात की जाए तो। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज कंपनी की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आई है। एक डील हुई है कंपनी की AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और ये डील छोटी मोटी नहीं है, बड़ी है। इंफोसिस इंक्स 5-year AI डील विद $2 बिलियन टारगेट स्पेंड। लगभग $2 बिलियन का कहीं ना कहीं ये डील मान के चल सकते हैं, और ये 5 साल के लिए, 1-2 साल के लिए, तो यानी 5 साल के लिए काम आया कंपनी के पास। वैसे भी आपको पता है कहीं नहीं जाते, इनके पास काम आते ही रहते हैं। ये जो करेक्शन थी वो लेने का मौका था, चिल्ला के कहा था आपसे मैंने। तो अब यहाँ पे क्या है, पूरी डिटेल समझते हैं। आईटी मेजर इंफोसिस साइंड एन एग्रीमेंट विद वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग क्लाइंट विद अ $2 बिलियन वैल्यू। द डील इज स्प्रेड ओवर 5 years अकॉर्डिंग टू एन एक्सचेंज फिलिंग, यानी कि $2 बिलियन की ये डील है और एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, कोई नई क्लाइंट नहीं है, जिनके साथ ये ऑलरेडी काम करते हैं उन्हीं से ये फ्रेश ऑर्डर आया 5 साल के लिए। तो धीरे 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 काम आता रहेगा, जो एक्सचेंज की फिलिंग बता रही है आज के सेशन में। तो ये कंपनी की तरफ से आज एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। ADR 4% ऊपर दिख रहा है, टेक्निकल टर्म्स में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट मैं यहाँ फ्रेश एंट्री के लिए राय नहीं दूंगा। जिनके पास है ठीक है, जिनको पहले भरोसा नहीं हुआ गिरावट में, आप क्या भरोसा कर रहे हो? जब सब कुछ भाग जाता है तब आप लोगों को लगता है यार ये तो बढ़िया चीज थी। ये फैक्ट है शेयर बाजार में, जब चीज चलती है तभी भरोसा होता है, जब गिरती है तब ये लगता है तो खत्म है। 1200 रुपए पे शेखर नाम का एक कमेंट करते थे बंदा था, अब वो मेरे वीडियो में दिख भी नहीं रहे हैं। जब 1200 रुपए का शेयर हाई लो, जब स्टॉक ने लो लगाया था, 10% क्रैश हुआ था क्वार्टर फोर के बाद, उन्होंने कहा था भाई आपने तो फंसा दिया, 900 रुपए जा रहा है अब ये शेयर, सब बेच दो।
अब कहाँ, वो शेखर सजोटिया करके आई थी उनका नाम था, अगर वीडियो देख रहे हो तो आप बता देना आप कहाँ जाने वाला है। शुरू से कह रहा हूँ 1950 का हाई है, 2000 होगा, 1950 होगा, 1850 होगा, लेकिन बेचना नहीं है। मेरे को नहीं पता ना ऊपर कब होगा, लेकिन मेरे को इतना पता है जाएगा ऊपर। जब मेरे को पता है मेरा पैसा बनेगा तो फिर मैं क्यों लॉस बुक करूं। मेरे को तो मौका मिल रहा है किसी चीज की। आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे जब कोई 50,000 की चीज 45,000 में मिले तो टूट के खरीदते हो उसे। वहीं शेयर बाजार में अगर किसी की वैल्यू 1500 की 1200 हो जाए तो कहते हो ये तो बेकार है। आपको वहां भी टूट के खरीदना चाहिए, जिसमें उल्टा होता है वहां पे उसे बेचते हो। और आप शेयर अमेजोन पे आपको 2000 का कहीं पे बेनिफिट हो रहा होगा, सस्ता मिलेगा, तुरंत खरीदोगे। यहाँ पे थोड़ा भी गिर जाए शेयर तो बेकार बता देते हो। तो फंडामेंटल्स पे जो ट्रस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं। शेयर बाजार इसीलिए बना हुआ है जो आपको करेक्शन में एवरेज करने का मौका देता रहता है। इस चीज को जितनी जल्दी समझोगे उतना ज्यादा पैसा बनाने लगोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।